अच्छा डैनी सुनो, क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेले छोड़ सकते हो? जरूरी बात करनी थी। हाँ ठीक है नाना, फ्री होते ही मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू। हैरान क्यों हो? तुम भूल कैसे सकती हो ली रूमी को जीतने की आदत है? जानती हो ना, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम नया हेड बार्टेंडर ढूंढ लो। क्या हुआ, फिर से भाग रही हो? भागने में तो तुम एक्सपर्ट हो, लेकिन जाने से पहले मेरा ऑफर तो सुनती जाओ। सैलरी के अलावा तुम्हें 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा, वो भी हर महीने। और अगर बिजनेस अच्छा चला तो जॉइंट ओनरशिप भी दूंगी और मिलकर तीसरा बार खोलेंगे। ये सब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में होगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक हेड बारटेंडर की तरह ट्रीट नहीं करूंगी, ताकि ओनर के तौर पर तुम भी मेरी इज्जत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे दोस्ती कर लो, बस मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही हूँ। ऑफर को रिजेक्ट करना बेवकूफी होगी। पुरानी बातों को भूलकर साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत पैसे कमाएंगे। पर्सनल लाइफ को काम से दूर रखो। ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। और रही वो 5 साल पहले की बात, मैं भागी नहीं थी, मैंने उसे टाला था, समझी तुम? जुबान कैंची की तरह चलती है, ये बिल्कुल नहीं बदली। तुम इस वक्त यहां कैसे? क्या हुआ, नए ओनर ने काम से तुम्हें निकाल दिया? ली रूमी, उसने अब क्या कर दिया? उसी ने तो बार खरीद लिया। क्या, इसका मतलब अब वो तुम्हारी बॉस है? सच में? काम करो, छोड़ दो, रिजाइन कर दो। मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने अचानक एक दिन में वो बार खरीद लिया जिसके लिए मैं इतने सालों से सेविंग कर रही थी। तुम्हें पता है उसने ये क्यों किया है? ताकि वो मुझे हर वक्त नीचा दिखा सके। हाँ, डैड ने जो भेजा वो तुम्हें मिल गया? मैंने उनसे पैसे तो नहीं मांगे थे। पॉल तो वो करते नहीं है, उसके बदले पैसे भेज देते हैं बस। डैड है, स्पॉन्सर नहीं। तुम फिर से उनके बारे में गलत सोच रही हो, तुम तो उन्हें जानती ही हो, उन्हें तुम्हारा बर्थडे हमेशा याद रहता है। वैसे मैंने सुना है तुमने एक और बार खरीदा है, ज्यादा खर्च नहीं कर रही? मैंने बर्थडे प्रेजेंट से खरीदा था। अब खरीद ही लिया है तो उसे अच्छे से चलाना भी, तुम्हारे डैड अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें परेशानी हो या उनका नाम खराब हो। फिकर मत कीजिए, नालायक जरूर हूँ लेकिन अपने डैड को बदनाम नहीं करूंगी। नाना छोड़ना मत यार। तुम ही ने तो कहा छोड़ दो,
ऑफर तो काफी अच्छा है। तुम पागल हो गई हो क्या? इसका फायदा उठाओ। क्या तुम्हें लगता है कि कभी पैसे सेव करके तुम वो बार खरीद पाती? बहुत मुश्किल था यार। सैलरी भी ज्यादा दे रही है और इंसेंटिव्स भी है। तुम जॉइंट ओनरशिप की भी बात कर सकती हो। मौका है, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन ली रूमी मेरी बॉस होगी, नाक में दम कर देगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए। अच्छे से इस्तेमाल करो, फिर जब मन भर जाए तो उससे रिश्ता तोड़ देना। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। उसका सामना करना ही पड़ेगा। अवॉइड किया तो तुम कमजोर लगोगी पहले की तरह। डैनी जरा मेरे साथ चलना, तुमसे जरूरी बात करनी है। एज 26 इयर्स, नाम पार्क डैनी, एक साल पार्ट टाइम और एक साल बारटेंडर। दो साल काम किया है तुमने, राइट? हाँ। इससे पहले क्या करते थे? मैं बेसबॉल प्लेयर था, इंजुरी की वजह से छोड़ दिया। स्पोर्ट्स में तो तुम्हें बहुत सारे जॉब मिल सकते थे, फिर तुम बारटेंडर कैसे बन गए? बेसबॉल छोड़ने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है। मैं कभी भी एक आम आदमी की तरह ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था, और इसी खोज में पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गया मैं, और फिर मुझे भी इस काम से प्यार हो गया। कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगी? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ, इंटरव्यू नहीं। यहाँ काम करने में कोई परेशानी हो तो बता सकते हो, जो ना पसंद हो वो तुम नहीं करते, जानती हूँ। अगर तुम्हें ओनर पसंद ना आए तो तुम काम छोड़ के जा भी सकते हो, है ना? मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करूंगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसी क्या खास बात है, बताओ। एक अच्छी कोवर्कर। अच्छे कोवर्कर हो तो काम में मजा आता है। उसका सामना करना ही पड़ेगा। अवॉइड किया तो तुम कमजोर लगोगी पहले की तरह। आप मेरी सैलरी इतनी बढ़ा देंगी? मैं अपने स्टाफ्स को अच्छी सैलरी देती हूँ। अच्छे कोवर्कर से ज्यादा अच्छी सैलरी मिले तो काम करने में ज्यादा मजा आता है। कोवर्कर्स धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन पैसा हमेशा साथ देता है। अगर मैं अपने बारटेंडर को खुश रखूं, तो वो काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसमें दोनों का फायदा है। बाय द वे, बाहर बार का साइन बोर्ड नहीं लगाया है? हाँ, ये हमने जानबूझकर किया है। ये हमारे बार का कॉन्सेप्ट है, एक छुपा हुआ खुफिया बार। एक ऐसा बार जहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें उसके बारे में पता हो, इसीलिए हमने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि यहाँ कोई बार है। यहाँ पर ली गई फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट करना सख्त मना है। एड्रेस के बारे में भी पोस्ट नहीं कर सकते। मतलब इलीगल सीक्रेट बार की तरह? हाँ बिल्कुल, नाना के दिमाग की उपज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हेड बारटेंडर को इसकी आधी जानकारी है। जहाँ से ये आइडिया लिया गया है, वो लोग भी साइन बोर्ड के जरिए अपना प्रमोशन करते हैं, बस वो अपनी एड्रेस छुपा कर रखते हैं। और तुमने कभी ये सोचा है, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें एड्रेस ढूंढने में कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि यहाँ का प्रॉपर एड्रेस ही नहीं है। खैर, मानती हूँ इस बार को सीक्रेट रखा गया है, पर एटलीस्ट मेन्यू तो होना चाहिए था। क्योंकि हम कस्टमर्स से बात करके
उनके हिसाब से ऐसा कॉकटेल बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद हो। और हाँ, हम वो कॉकटेल्स भी बनाते हैं जो बाकी बार ऑफर करते हैं। अगर कोई कस्टमर पहली बार पी रहा हो तो फिर वो अपनी पसंद कैसे बता सकता है? उसके लिए तो यही बेटर होगा कि वो मेन्यू देखकर डिसाइड कर ले। और ये इंटीरियर्स पर कब से काम नहीं हुआ है, बहुत ही गंदा है। तुम्हारे आने से पहले भी ऐसा ही था। हमें सब कुछ बदलना होगा। किसी एक को चुनो। मुझे मार्टिनी चाहिए। मार्टिनी को छोड़कर इनमें से चुनो। ठीक है, बस यही बना सकती हूँ। ये ऐसी बात है तो 1 2 3 ये चीयर्स। नाना, मैं सीरियसली एक बात पूछूं, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए एक बार खोलूं? तुम्हारे डैड मान जाएंगे? ओ, मुझ पर छोड़ दो ना। मैं फ्यूचर में एक बहुत फैंसी बार खोलूंगी और तुम होगी उस बार की हेड बारटेंडर। मैं सैलरी बहुत लूंगी मैम। अच्छा, तो ये बात है। कितनी सैलरी लोगी बताओ? बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और बाकी है। ये फोटो अच्छी नहीं आई, एक और लेते हैं। हाँ ठीक है, एक और लेते हैं। किससे मिलना है? हाँ, दरअसल मुझे यहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बुलाया गया है। क्या, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए? हाँ। आप आ गए? हेलो। तुम आज जल्दी आ गए डैनी, मैंने ही इन्हें बुलाया था। अंदर आइए। जी, थैंक यू। हेलो नाना, तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे? सॉरी। लगता है मिस ली बार का रेनोवेशन कर रही हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बताया? क्या? तो तुम आ गई, लगा नहीं था जल्दी आओगी। हाँ, इनसे मिलो। ये है मिस्टर पार्क हांसोल और ये हमारे बार को रेनोवेट करेंगे। और ये है हमारी हेड बारटेंडर नाना। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए नहीं कहा था, मैंने ही इन्हें बुलाया है। पिछली बार इन्होंने नंबर 1 का पूरा इंटीरियर डिजाइन किया था। बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने। आई होप इस बार भी अच्छा काम होगा। मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में बात करते हैं। अभी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। माफ कीजिएगा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। रोड के उस पार एक कैफे है, वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। आप मेरा वहाँ इंतजार कीजिए। डैनी जी, क्या तुम इन्हें उस कैफे तक छोड़ दोगे? आइए। जरा इन सैंपल्स को तो देखो। इस लैंप की कीमत 5,000 है। देखा जाए तो ये जगह बहुत पुरानी सी दिखती है और यहाँ के फर्नीचर भी घटिया है। इन्हें बदल कर मैं सब कुछ नया लेकर आऊंगी। जिन्हें स्टाइल की सेंस होगी उन्हें यह जगह अच्छी लगेगी। अगर पैसे कमाने हैं तो थोड़े खर्च भी करने होंगे ना। अगर तुम्हें ध्यान देना ही है तो अल्कोहल पर दो। हाँ,
वो भी जरूरी है, इसीलिए तो मैं तुम पर इतने पैसे खर्च कर रही हूँ। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ अल्कोहल का टेस्ट ही मायने नहीं रखता है, मॉडर्न इंटीरियर्स की भी जरूरत है जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग कॉकटेल्स जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे और वो फोटोज भी खींचेंगे। कुछ बहुत महंगे फर्नीचर्स और लाइट्स जो कस्टमर अपनी लाइफ में कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ सेलिब्रिटीज भी आने लग गए तो कुछ ही वक्त में ये जगह सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो जाएगी। अब समझ आया कि तुम्हारा बार चलता क्यों नहीं है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना अच्छी बात है, लेकिन बार के रेगुलर कस्टमर्स कितने हैं? और अगर तुम्हें लोगों से फोटोज ही खिंचवानी है तो गैलरी क्यों नहीं खोल लेती? ये महंगा लैंप, क्या जरूरत है इसकी? इनकी रोशनी में लोगों को कॉकटेल्स के कलर्स भी नहीं दिखेंगे। और हाँ, इनकी रोशनी ने तुम्हें अंधा बना दिया है। और ये चेयर्स, डिजाइन को तो भूल जाओ, स्टेनलेस स्टील है ये। शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने वाली लड़कियां इस पर ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगी। इसका फुटरेस्ट तो जमीन पर है। बताओ, शॉर्ट हाइट वाले कस्टमर्स कैसे बैठेंगे इस पर? जितना फैंसी है उतना ही खोखला है। ये सब किसी काम का नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा ली रूमी, बात सुनो। कभी सोचा नहीं था इस बार की मुझे इतनी चिंता होगी, और मैं जिस चीज से प्यार करती हूँ उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती, वो भी तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे ये बार मेरे तरीके से चलाने दोगी तो ही काम करूंगी। सीधे से क्यों नहीं कहते तुम्हारा गुरूर तुम्हें यहाँ खींच लाया है? अब इसमें गुरूर की बात कहाँ से आई? यहाँ के कई बार्स मेरे लिए दरवाजे खोलकर बैठे हैं, जबकि तुम्हारे बार की सेल्स तो कोटनी से भी कम हो गई है, जिससे तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंची है। और इसीलिए अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो इस बार को छूना भी मत। तुम्हें बार में जो भी करना होगा मुझसे पूछ कर करना होगा। शायद तुम ये बात भूल गई हो, मैं इस बार की ओनर हूँ। बार के ओनर होने का बहुत घमंड है ना तुम्हें? थोड़ा गौर से सोचो, जरूरत किसकी है? अगर इस बार को अच्छे से चलाना चाहती हो तो अपनी औकात में रहना, तुम्हें मेरी जरूरत है। डैनी, कल तुम्हें अकेला छोड़ दिया, I'm so sorry। कोई बात नहीं, मुझे तो फिक्र हो रही थी कि कहीं वो तुम्हें ना निकाल दे। कल मिस ली ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। क्या इंटरव्यू? हाँ, बहुत ही इंटेंस इंटरव्यू था। मुझे बताओ जरा, क्या क्या करने को कहा तुम्हें? मुझे कॉकटेल बनाने को कहा उन्होंने, जब हमें लाइसेंस मिला तब। वाह, उसे अल्कोहल के बारे में क्या ही पता है। नाना, नाना, मैं जब भी जोक मारू तो रिएक्ट किया करो, अगर तुम्हें स्विंग करना नहीं आया तो। अरे तुम अचानक बेसबॉल की बातें क्यों करने लगे? मजाक कर रहा था मैं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। हमारी बस ढेर सारी बातें हुई थी, हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जो हमने कभी नहीं किया था। मैंने उन्हें बताया कि काम किए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। वेलकम सर, आप कहाँ बैठना चाहेंगे? लीरूमी से मिलना है। हेलो, तुम यहाँ? आओ बैठो। तुम्हारे लिए, नए बार के लिए कॉन्ग्रेट्स। इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, थैंक यू। बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? तुम थक गए होगे? फ्लैट में बहुत आराम किया मैंने। अच्छा, इनसे मिलो। ये हमारा बारटेंडर डैनी, और ये रही हेड बारटेंडर नाना। वही जिसे तुम रखना चाहती थी। मिलकर खुशी हुई। रूमी से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं रूमी का बॉयफ्रेंड जुंग यू मिन हूँ। हेलो सर। तुम रूमी का अच्छे से ख्याल रखना।
मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए नहीं कह रहा, ये अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखती है इसलिए। मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। अच्छा क्यों मैं हमारी हेड बारटेंडर के हाथों का जादू देखना, बहुत अच्छा कॉकटेल बनाती है। एक सिप में ही मैं पागल हो गई थी। एक ड्रिंक बना दो नाना। हाँ जरूर। वेलकम ड्रिंक लीजिए सर। खुद ड्राइव करके आया। माफ करना गाड़ी चलानी है, आज तो नहीं पीऊंगा लेकिन अगली बार तसल्ली से बैठकर पीऊंगा, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, अब मैं भी निकलती हूँ। ख्याल रखना, कल मिलते हैं। रुको, अब अच्छी दिख रही हो। चलो। कार में कोई और भी था? मिस्टर पार्क थे, उन्हें कुछ काम था इसलिए ड्रॉप कर दिया। ओह। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? क्या मैं चेयर पीछे पुश कर दूं? नहीं ठीक है। थैंक यू। अब जरा डैशबोर्ड खोलो। डैशबोर्ड? ये क्या है? सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा तो ले लिया। परफ्यूम है, खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना, कहां से लिया तुमने? बिजनेस ट्रिप के दौरान मेरे होटल के पास एक परफ्यूम स्टोर से लिया। तो ये फ्रांस का ब्रांड है? बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, मैं इसे संभाल के रखूंगी। तुमने एक और खरीदा है? हाँ अपनी मॉम के लिए खरीदा है, कल उनका बर्थडे है ना इसीलिए खरीद लिया। अच्छा, कल डिपार्टमेंट स्टोर जाना होगा और उसके बाद मूवी देखने चलते हैं। मुश्किल है, दरअसल घर वालों के साथ डिनर पर जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। अच्छा वो बार रिनोवेशन का काम शुरू हुआ? मैंने अभी उसे रोक दिया है, सारे एम्प्लॉयज उसके खिलाफ हैं। तो क्या उनके लिए अपना फैसला बदल लोगी? मैं सोच रही हूँ। क्या? यही कि मुझे एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरह अपने एम्प्लॉयज की बात सुननी चाहिए या फिर एक सख्त एम्प्लॉयर की तरह उनके साथ पेश आना चाहिए। वैसे जानती हो वो बैटरी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या सच में? तो वो है कौन? जब मैं बेसबॉल खेलता था तो उस दौरान वो पिचर की अच्छी दोस्त थी, और बेसबॉल में पिचर और कैचर को एक साथ बैटरी बुलाते हैं, यू नो। हम एक दूसरे के करीब हुए पर कभी बात नहीं बनी। ओ, अच्छा। मुझे लगा ही था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन जब बार में लड़कियां फ्लर्ट करती है तब तो कहती हो कि गर्लफ्रेंड है। वैसे उन्हें दूर करने का ये एक आसान तरीका है। आसान तरीका? मतलब अभी तक तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? कहानी को जितनी डिटेल में बताओगी वो उतनी ही सच्ची लगती है। मैं भी ये ट्रिक यूज करूंगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे तुम जॉब छोड़ने वाली हो क्या? क्यों? क्योंकि अगर तुमने जॉब छोड़ दिया तो मेरा जॉब करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बस पूछ रहा था। मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ छोड़ोगे इसलिए जानना चाहते हो। ऐसा भी कर सकता हूँ, वैसे भी हम उस बार में बैटरी जैसे ही हैं। वो तो सही है। वैसे तुम्हारी क्या मिस ली के साथ अच्छी दोस्ती है? थी, 5 साल पहले दोस्त थे। थे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने दोस्ती तोड़ दी थी। वैसे
मुझे लगा था कि मैंने उसे भुला दिया है, पर अब समझ आया कि मैं सिर्फ उससे दूर भाग रही थी। लेकिन इस बार मैं भागने वाली नहीं हूं।